मेरे YouTube चैनल पे लोग भर भर के जातिगत गालियां बकते हैं, मैं उनको माइंड नहीं करता, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता उन सब चीजों से। लेकिन कल एक बड़ा अनोखा ही कमेंट आया, दिखाता हूँ आपको। क्या मैं किसी खास जाति के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ सिर्फ? ये बात मैं मानता हूँ कि मैं इनका फैन हूँ। ये दो ग्लव सनी के लिए। कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि इतनी गर्मी में ट्रैक सूट क्यों, तो ये मेरी किट है बाहर जाने की, कोरोना से बचाव के लिए। ये क्या कल वाले मोबाइल ले लिए क्या? क्या करते हो आप भैया? काम करने जाती हूँ, 22 तारीख से बैठी हूँ, पैसा भी नहीं दे रहे। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग? हम तीन लोग हैं, दो एक इससे बड़ी लड़की है, एक जी है और एक मैं, बस लड़का है नहीं है, पति है नहीं है, ना 13 साल हो गई। तो कमेंट करके बताओ कि पुराना जो ग्लव्स होता है उसको दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। यार पुराना नहीं है अंजल भैया, ये मुश्किल से 2 घंटे यूज हुए थे कल। एक जो फैमिली थी सनी ने यहीं पर बुला ली थी, क्योंकि मोहल्ले के अंदर थे वो लोग सब। हाँ, तो वहाँ भीड़ लग जाती। हाँ, भीड़ लग जाती। और हम पहले ही बता चुके हैं, हम मतलब क्वांटिटी ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन सीमित लोगों को दे रहे हैं, और ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो आपने स्थिति अभी देखी ना 2 मिनट पहले, ऐसे ही लोगों को दे रहे हैं विशेष टारगेट करके भी। तो अभी जिनके घर में कोई नहीं है कमाने वाला। कल हम लोगों ने 3 पैकेट दे दिए थे ना। हाँ। आज एक और दे दिया 4, और अभी 4 लोगों के लिए और बचा हुआ है। कल 14 अप्रैल की जो है ना तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर 14 अप्रैल मतलब कल की तैयारी चल रही है, और यहाँ पे मूर्ति पे जो है ना पुताई उताई चल रही है। ये लोग कल के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ, पुताई उताई करके। लेकिन ये चीज़ इनको पता नहीं कि यहाँ पे भीड़ नहीं लगानी है। भीड़ कहाँ है लेकिन? नहीं मतलब कल के लिए भी। हाँ हाँ, लेकिन कल के लिए मतलब जो भी है वो रखेंगे अपना सिस्टम। मैं अगर सोशल जो काम कर रहा हूँ ना, सोशल वर्क कर रहा हूँ अभी, तो मेरी जन्मभूमि जो है ना वो ये, यहाँ से स्टार्ट हुआ था मैं। युवाजी यूनिवर्सिटी? हाँ, युवाजी यूनिवर्सिटी। हाँ, जो आंदोलन हुआ था ना वो यहीं से, मतलब मैंने जीवन परिवर्तित हो गया मेरा। अच्छा, जीवा जी का एक कांड हुआ था जहाँ पे जो है बाबा साहब की जन्मदिन को नहीं मनाने दिया जा रहा था, कुछ ऐसा कुछ हुआ था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चितकपुरी, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं, एक और डॉक्टर साहब हैं, वो पुराने वाले नहीं, उन्होंने बुलाया है कुछ बात करने के लिए। अरे सुनो अंजल भाई। हाँ, सकल नहीं कर रहा। ये जो डॉक्टर साहब थे इनने भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई, उन्होंने बोला कि कैमरे पे भी आने से मना कर रहे हैं जो लोग हम वितरण कर रहे हैं, तो इससे भी थोड़ा हमें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हेल्प मिलेगी। तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। तो कल है 14 अप्रैल, और हमारा जो सीक्रेट प्लान है ना वो कल के लिए है, और उसके लिए हम लोग अभी सामान लेने आए हैं। और ये सारा काम जो हमें सुबह 5 बजे उठ के, चार बजे उठना पड़ेगा। हाँ। और 4 बजे उठ के वो पूरा प्लान करना पड़ेगा। हाँ। वो 14 अप्रैल वाला वीडियो जरूर देखना, बहुत हंसू होने वाला है। और सकता है आज रात को तो मैं सो ही नहीं पाऊँ, क्योंकि 2-3 बजे तक तो मैं वैसे ही सोता हूँ। लॉकडाउन में किसी दुकान खुलवा ली तुमने? नहीं यार, ये अपने भाई है, और बस ये घर में मतलब दुकान नहीं है, ये गोदाम है, ये जरूरत के लिए सामान ले रहे हैं। तो कल का प्लान है हमारा, ये क्या करोगे कल? मिर्ची खिलाओगे लोगों को? सस्पेंस।
वैसे प्लानर जो है वो अंजल भैया है और उन्होंने कुछ कल के लिए प्लान किया है। ज्यादा नहीं होगा सर? नहीं, सामान नहीं ले रहे थे हम। ज्यादा नहीं हो गए ये? ये बहुत कम है। ये कम है? ये इतना कम है, कल तो वाट लग जाएगी। जीरा वाला काम है ये। अबे तो इतना सारा सामान अपन दोनों कैसे करेंगे सारा काम? अपन दोनों ही तो करते आ रहे हैं यार। चल फिर कर लेंगे। बाय बाय। सुबह याद रखना 4 बजे। पक्का पक्का। सामान बांटते वक्त हमने किसी से नहीं पूछा कि वो किस धर्म से है, किस जाति से है या किस पार्टी को वोट देता है। मेरे YouTube चैनल पे लोग भर भर के जातिगत गालियां बकते हैं, मैं उनको माइंड नहीं करता, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से। लेकिन कल एक बड़ा अनोखा ही कमेंट आया, दिखाता हूँ आपको। ये चमार बहुत पॉपुलर हो गया है भाई, अब इसको मैं अपनी तारीफ समझूंगा कि बेइज्जती। और सबसे बड़ी बात, मैंने तो कभी बताया ही नहीं मैं किस जाति का हूँ। मैं तो कोई भी हो सकता हूँ, मैं वाल्मीकि भी हो सकता हूँ, मैं यादव भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मुँह से ये बता रहा हूँ कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ और बुद्ध को फॉलो करता हूँ। और ध्यान रखना है, कल 14 अप्रैल है, रात को 8 बजे आप सभी को अपने घर मोमबत्तियाँ जलानी है। और कल हमारे सीक्रेट प्लान का पर्दाफाश भी हुआ, जिसके लिए हम इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं। कीप सपोर्टिंग।